हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो भाई आज है सैटरडे और हमें जाना है आज जीरकपुर, जो कि हमारे रूम से है 28 किलोमीटर। और राघवेंद्र को कॉल किया था कि भाई, मतलब ये प्लान तो हम लोग का भाई 15 अगस्त को भी बना था कि भाई हम लोगों को जाना है डीकैथलॉन, लेकिन किसी कारणवश वो फेल हो गया। सो अभी हमें जाना है, तो रेडी मैं हो चुका हूँ और अभी राघवेंद्र आ रहा है बाइक लेके, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे जीरकपुर के लिए। हमें यहाँ से लग जाएगा भाई 1 घंटा, क्योंकि यहाँ से है भाई 28 किलोमीटर। सो चलते हैं, देखते हैं अगर कुछ पसंद आ रहा है। उस दिन बताया था कि मैं टी शर्ट लेने गया था, लेकिन मोबाइल वगैरह लेके चले आया था, मतलब ठीक वगैरह करा के। सो अगर आज पसंद आता है और मेरे बजट तक में अगर मिल जा रहा है, क्योंकि अभी भाई स्टूडेंट है तो उतना पैसा वगैरह रहता नहीं है, अगर मेरे बजट तक में मेरे अगर मुझे मिल जा रहा है तो मैं ले लूँगा भाई, नहीं तो घूम फिर के चले आऊँगा। वैसे भी छुट्टी था 2-3 दिन से लगातार, मतलब 15 अगस्त की छुट्टी है, आज छुट्टी है, फिर कल छुट्टी है, फिर परसों हाफ डे स्कूल है, सॉरी कॉलेज है। तो मन तो लग नहीं रहा था रूम पे, बंदा कितना ही पढ़े या मूवी वगैरह देखे, तो चलो थोड़ा घूमना भी चाहिए, तो चलते हैं। मैं हो चुका फुल रेडी और बाहर का वेदर भी सही है, देख सकते हो मौसम भाई ठंडा ठंडा सा हो रखा है। राघवेंद्र आ रहा है भाई बाइक लेके, तब तक मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। साहब काफ़ी चलने के बाद फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए। ये हमारे शुभम भाई टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं साइकिल का। क्या शुभम, ठीक लग रहा है? खरीदा जा सकता है क्या? जा सकता है, लेकिन गियर कहीं से मिलेगा? किसी से सीखो। गियर नहीं है इसमें, ये बिना गियर का है भाई, लेकिन चेंज कुछ कोई बात नहीं, जिम आके ये लेकर किया करेंगे। हाँ, फ्री में साइकिल टेस्ट नहीं करना जी। जूता का कलेक्शन तो अच्छा है भाई। भाई अंदर पहुंच चुके हैं, कुछ कुछ टी शर्ट हमारे अभी औकात के बाहर है, मतलब औकात के बाहर नहीं बोले तो मेरे बजट के बाहर है। शो अभी लेंगे नहीं, इस बार आए भाई घूमने के लिए, घूमते हैं देखते हैं, फिर कभी आएंगे तो लेंगे। बाकी आप कलेक्शन देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है भाई यहाँ पे, जो लेना चाहते हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड या कुछ भी। तो भाई फाइनली हमें पोलो में टी शर्ट मिल तो गया है, मगर भैया इसमें मीडियम साइज़ का कौन सा टी शर्ट होगा? ब्लैक में। तो हमारी जितनी शॉपिंग होनी थी भाई होगी, हमने ली है बस थोड़ी सी, बकेट फुल तो नहीं कर पाया। आया था तो भाई घूमने के लिए, देखने के लिए क्या क्या मिलता है, लेकिन पसंद आ गई भाई टी शर्ट वगैरह, तो 2-3 टी शर्ट पैंट वगैरह लिया है। और देखता हूँ और थोड़ा बहुत घूमता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ डीकैथलॉन, क्योंकि भाई 28 किलोमीटर बराबर आना, मतलब मूड बना के आना होता है। तो देख सकते हो, भूख लग गया ना हमको। फाइनली हम लोग का शॉपिंग वगैरह हो गया है, ठंड के लिए मैंने पहले से जैकेट ले लिया अभी। और ये भाई डीकैथलॉन में ऐसा है कि आप यहाँ स्पोर्ट्स और ट्रैकिंग वगैरह से ज़्यादा करके सामान मिलता है, तो देख ही सकते हो आप लोग। सो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई भाई ख़त्म, और हमने यहाँ से लिया है 2 हेलमेट और कुछ कपड़े। सो चलते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस था भाई, अच्छा रहा, और अब थोड़ा पेट पूजा हो जाए। चलो चलो भाई, स्टारबक्स में खाने के लिए अभी पैसे नहीं है, ठीक है, फिर आएंगे कभी तो ज़रूर आएंगे यहाँ पे स्टारबक्स। और KFC में इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि भाई अभी चल रहा है सावन, सो इसको भी अलविदा करते हुए। सो भाई हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट, और मैं जब ही आया था भाई तभी से मेरे को भूख लगा हुआ था, तो सबसे पहले शॉपिंग करने के बाद अपन आ गए हैं भाई बर्गर किंग। तो हमारे राघवेंद्र भाई ने अभी, अब पहले पेट पूजा करेंगे, उसके बाद फिर कुछ होगा। इसका फिर क्या होगा?
फिर उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। लेकिन भाई रास्ता काफ़ी अच्छा था, जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं और चंडीगढ़ से ज़्यादा अच्छा था, चंडीगढ़ से ज़्यादा बेटर था। लेकिन काफ़ी मज़ा आया भाई, फर्स्ट टाइम मेरा था डीकैथलॉन का, तो एक्सपीरियंस सही था। यहाँ पे आया तो था भाई देखने के लिए कि क्या क्या मिलता है इधर, ज़्यादा करके मतलब स्पोर्ट्स का है और कैंपिंग वगैरह जो करते हैं, ट्रैवलिंग वगैरह उसका, उसकी चीज़ें ज़्यादा मिलती है यहाँ पे, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही अधिकतर चीज़ें हैं। सो थोड़ी बहुत हमने ले ली, एक शू लिया है, एक जैकेट ली है, टी शर्ट वगैरह, पेंट वगैरह जो होता है, लोअर वगैरह लिया है। सो अब यहाँ से निकलेंगे, पहले थोड़ा पेट पूजा हो जाए क्योंकि भूख काफ़ी लगा हुआ है भाई, और हमारा राखी भी डिलीवरी हो चुका है घर पे। सो अभी जा कर के फिर उसको भी देखना है कैसा आया है नहीं आया भाई, क्योंकि दीदी ने ऑनलाइन ऑर्डर करा था, वो पूछ रही थी कि भाई कैसा आया है, फ़ोटो क्लिक करके भाई भेज दियो, ठीक है। तो अभी खाने का वेट मतलब कर रहा हूँ, ऑर्डर हो ही चुका है, आता है खाना खाते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे अपन खरड़ के लिए। सो भाई हमारा आ चुका है खाना, इसमें है भाई फ्रेंच फ्राइज, बर्गर हमने चार कर लिया है क्योंकि एक बर्गर से भाई कुछ होने से रहा। तो भाई हमारा खाना हो गया कंप्लीट, जो कि आप देख सकते हो, और अब आ चुका है हमारा भाई कोल्ड कॉफ़ी, बर्गर किंग का कोल्ड कॉफ़ी। सो अब इसको पियेंगे और पेट सहला रहे हो क्या, फ़ोन साफ़ कर रहे हो भाई? फ़ोन साफ़ कर रहे हो मेरा खाने के बाद पेट सहला रहा है भाई। तो अब भाई अब खाना पीना हो गया, अब रात को खाना नहीं है क्योंकि भाई ओवरडोज हो गया मेरा, दो दो बर्गर, क्योंकि ऐसे भी मैं बर्गर नहीं खाता हूँ। बच चुके हैं भाई रात के 9:34 और हम लोग का खाना पीना सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ से भाई निकलना है रूम के लिए। तब तक मैप सेटिंग लगा लो। सो भाई अब मैप वैप सेट कर रहे हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे भाई अपन घर के लिए। सो ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।